हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें एक ग्राफ दे रखा है एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में, और हमसे कह रखा था क्रोस्पॉन्डिंग पोजिशन टाइम एक्सटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, और यहाँ पे हमें चार ग्राफ दे रखे हैं। तो गाइस, हमें अगर पोजिशन और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो ये हमें एक्सीलरेशन दे रखा है ना ग्राफ में, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर रखा है। तो पहले तो हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव में, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो इनिशियली नेगेटिव में, ठीक है, और कांस्टेंट है कुछ टाइम तक। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है माइनस ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी, ठीक है गाइस। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डी वी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी टी, और जब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो जो हमारा वी आ रहा है वो आ रहा है माइनस ए टी प्लस सी, ठीक है गाइस, यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट है। तो गाइस अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम ए को ले लेंगे टू और सी को ले लेंगे एट, ठीक है गाइस। ये हम मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू टू ले ली है और सी की वैल्यू एट ले ली है, ठीक है गाइस। तो जो हमारा वी है वो क्या हो जाएगा, अब वी इज इक्वल टू माइनस टू टी प्लस एट। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम हर सेकेंड में ना एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि उस टाइम पीरियड में जो पार्टिकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है गाइस। तो गाइस पहले हमने ले लिया कि टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। तो गाइस टी इज इक्वल टू जीरो पे जब मैं यहाँ टी की जगह जीरो रख दूंगा तो मेरा जो वेलोसिटी आएगी माइनस टू इंटू जीरो प्लस एट, तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी आएगी जीरो सेकेंड पे वो आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस अब यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी और टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पे 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जब ये जीरो से वन टाइम पीरियड होगा यानी जीरो से वन सेकेंड जब कंप्लीट होंगे तो पार्टिकल जब मैं देखूंगा वन सेकेंड पे तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी, जीरो से गाइस 8 मीटर पे पहुंच चुका होगा, ठीक है गाइस। जो कि आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेट भी किया डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन जीरो टू वन सेकेंड, एस इज इक्वल टू वी टी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी की जगह रख दिया 8 मीटर पर सेकेंड इंटू वन सेकेंड, ठीक है गाइस, इज इक्वल टू 8 मीटर आ गया। यानी कि जो पार्टिकल है ना वो एक सेकेंड पे होगा मेरा 8 मीटर पे, ठीक है गाइस। अब मैं पार्टिकल की वेलोसिटी निकालूंगा टी इज इक्वल टू वन सेकेंड पे, ठीक है गाइस। तो वापस हम वी इज इक्वल टू माइनस टू टी प्लस एट यही इक्वेशन को लेंगे और इस टी की जगह वन रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी वन सेकेंड पे आ रही है वो आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर अब मैं पार्टिकल को देखूंगा तो इसकी वेलोसिटी वन सेकेंड पे 6 मीटर पर सेकेंड है, तो यानी कि जब ये 2 सेकेंड पे पहुंचेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है इस टाइम पीरियड में, 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच 6 मीटर। यानी अगर मैं पार्टिकल को 2 सेकेंड पे देखूंगा तो ये 1 सेकेंड पे हमारा कहाँ पे था, 8 मीटर पे, और अब 2 सेकेंड पे इसने 6 मीटर और डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो जो 2 सेकेंड पे है ना वो पार्टिकल मेरा होगा 14 मीटर पे। गाइस आप देख सकते हैं मैंने एस इज इक्वल टू वी टी और वी की जगह रख दिया 6 मीटर पर सेकेंड और इंटू 1 सेकेंड। तो गाइस यहाँ पे मैं 1 इसलिए रख रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये इस 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है गाइस। तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 6 मीटर। तो पार्टिकल की पोजीशन अब आप 2 सेकेंड पे देखेंगे तो वो 14 मीटर पे होगा, क्योंकि इसने 0 से 1 सेकेंड में 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था और 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में इसने ट्रैवल किया है 6 मीटर का। यानी कि जो पार्टिकल है 2 सेकेंड पे वो 14 मीटर पे, ठीक है, 0 से। अब हम देखेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी 2 सेकेंड पे, ठीक है। वापस हम वही वाली इक्वेशन अपनी लेंगे वी इक्वल टू माइनस टू टी इन टू टी प्लस एट, ठीक है। अब मैं टी की जगह रख दूंगा 2 सेकेंड और एट तो हमारा ऐसे रहेगा, तो माइनस टू इंटू टू कितना हो जाएगा इस माइनस फोर प्लस एट, तो माइनस फोर प्लस एट हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है गाइस। तो अब हम देखेंगे कि जो पार्टिकल है उसने इस 1 सेकेंड में यानी कि 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो गाइस यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी, वी की जगह रख देंगे 4 मीटर पर सेकेंड और 1 सेकेंड में हमने देखने कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस अब ट्रैवल किया, तो उसने 4 मीटर ट्रैवल किया। तो अब हम देखेंगे कि जो पार्टिकल की 3 सेकेंड पे जो पोजीशन है वो होगी 18 मीटर पे, ठीक है गाइस। यानी कि तीसरे सेकेंड पे जो पार्टिकल है वो 18 मीटर पे है, क्योंकि पहले 0 से 1 सेकेंड में उसने 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में उसने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड के बीच में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 4 मीटर। तो यानी कि उसने 3 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 18 मीटर, ठीक है गाइस।
अब गाइस हम देखेंगे कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 3 सेकेंड पे कितनी है, ठीक है गाइस। तो उसके लिए हम वापस अपनी यही वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। टी की जगह रख देंगे 3 सेकेंड, तो इसको सॉल्व करने से जो हमारी वेलोसिटी आ रही है 3 सेकेंड पे आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वापस हम अब देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड में, एस इज इक्वल टू वी टी, वी की जगह रख देंगे 2 मीटर पर सेकेंड, टी की जगह रखेंगे 1 सेकेंड, तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने वो 2 मीटर ट्रेवल किया। यानी कि गाइस अब हम 4 सेकेंड पे देखेंगे तो हमारा जो पार्टिकल होगा वो 20 मीटर पे होगा, ठीक है गाइस, 0 से 20 मीटर पे होगा अगर आप देखेंगे, क्योंकि इनिशियल 0 सेकेंड पे था वो, जीरो जो 0 सेकेंड थे ना गाइस जब, तो पार्टिकल हमारा जीरो, उसकी पोजिशन थी वो जीरो थी, ठीक है। लेकिन अब 4 सेकेंड पे देखेंगे तो पार्टिकल की जो पोजिशन होगी 20 मीटर पे होगा, ठीक है गाइस। अब हम निकालेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी 4 सेकेंड पे, ठीक है। तो इस बार हम टी की जगह रख देंगे 4, तो -2 × 4 कितना होता है -8, तो और -8 + 8 कितना हो जाएगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि गाइस 4 सेकेंड पे हमारे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। और गाइस अब हम डिस्टेंस नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो ग्राफ होगा इसमें यहाँ पे मान लीजिए गाइस 4 सेकेंड है, तो अब हमारा एक्सीलरेशन हो चुका है पॉजिटिव, ठीक है गाइस। तो इसीलिए मैं अब यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, हम आगे करेंगे अब, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट। तो पहले अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा v इज इक्वल टू -AT + C आया था ना गाइस, इसको वो हम वापस इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमारी कैसी इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू -AT + C। अब v को मैं लिख सकता हूँ dx/dt इज इक्वल टू -AT + C हो जाएगा हमारा। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जो हमारा t है वो इससे मल्टीप्लाई, dt है गाइस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर दिया। फिर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करूँगा, तो जो मेरा x आएगा वो आएगा -AT² + -AT² / 2 + CT + C', ठीक है, ये आ जाएगा। यानी गाइस आप देख सकते हैं मेरा जो x और टाइम के बीच में रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है एक पैराबोला इक्वेशन बन रही है, ठीक है गाइस, पैराबोला का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अब गाइस हम क्या करेंगे कि अब हम हमारा जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए मैं अब एक्सीलरेशन को वापस इंटीग्रेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया A = dv/dt, और जो ये हमारा dt है ये a से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी dv = a dt। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे गाइस, तो हमारा जो dv = a को गाइस हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट dt को करेंगे। अब इसको पूरे को सॉल्व करके जो हमारा v आएगा वो आ रहा है v = at + c। अब हम क्या करेंगे, वापस a को 2 ले लेंगे और c को ले लेंगे 8, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है गाइस। तो जो हमारा v हो जाएगा वो हो जाएगा v = 2t + 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t = 4 सेकेंड। तभी गाइस मैंने वहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि हमारी जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो जीरो हो गई थी। लेकिन गाइस उसी वक्त 4 सेकेंड पे हमारे जो पार्टिकल को ना वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिल रहा था। अब मैं कैलकुलेट करूँगा इस टाइम पे कि जो मेरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है गाइस 4 सेकेंड पे। तो गाइस 4 सेकेंड पे हमारा जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव में हो गया, तो यहाँ पे गाइस मैं जीरो लूँगा, क्योंकि अभी एक्सीलरेशन लगना शुरू है। तो अब मैं देखूँगा कि जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में लगना शुरू है तब मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो गाइस मैं यहाँ टी की जगह रखूँगा 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने जब टी की जगह 0 रख दिया, तो इसको सॉल्व करने पे पूरे को जो मेरी वेलोसिटी आ रही है वो 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है गाइस। यानी कि 4 सेकेंड पे ही मेरी जो वेलोसिटी होगी वो वापस 8 मीटर पर सेकेंड होगी, जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन अप्लाई हुआ है। तो मैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड निकालूंगा, इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, v की जगह रख दूंगा 8 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड में मैंने निकालना है कितना पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 8 मीटर रख दूंगा। तो अब आप देखोगे कि जो पार्टिकल की पोजीशन होगी ना मेरी 5th सेकेंड पे, वो होगी 28 मीटर, क्योंकि ये तो जब हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव था तब पार्टिकल ने 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, लेकिन अब जब हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ है तो पार्टिकल ने 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में 8 मीटर डिस्टेंस और ट्रैवल कर लिया है। इसीलिए जब 5 सेकेंड बीतेंगे जो पार्टिकल की पोजीशन होगी 28 मीटर पे होगा, ठीक है। अब हम 5th सेकेंड में निकालेंगे वेलोसिटी, तो मैं यहाँ टी की जगह 1 रख दूँगा। आप समझ रहे हैं कि 1 सेकेंड अब मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि 4 सेकेंड पे हमारा जो मैंने टाइम को लिया 0, ठीक है, और उसी वक्त हमारा जो एक्सीलरेशन वो पॉजिटिव में हो गया, ठीक है।
यानी कि अब हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी वापस इंक्रीज होना शुरू होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसीलिए गाइस जब मैं यहाँ टी की जगह जीरो ले रहा हूँ, जब 4 सेकंड मैंने लिया है तो यहाँ टी की जगह मैंने जीरो ले लिया है, और जब मैंने टी इक्वल टू 5 सेकंड लिया तो यहाँ पे टी की जगह 1 ले लिया। ठीक है, तो अब हमारी जो वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, वापस हम डिस्टेंस निकालेंगे कि 5 सेकंड से लेकर 6 सेकंड के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसके लिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस इज इक्वल टू वी टी, एस की सॉरी गाइस वी की जगह रख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम की जगह रखेंगे 1 सेकेंड, तो उसने 5 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अब हम वापस 10 मीटर और ऐड कर देंगे, तो जो पार्टिकल की 6 सेकेंड पर पोजिशन होगी 38 मीटर पर होगी। इसी तरह का इसमें टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड लूँगा, और इस वाले फॉर्मूले में टी की जगह है 2 रख दूंगा, तो जो मेरी वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड, यानी 6 सेकेंड पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल जो आएगा 6 सेकेंड से लेके 7 सेकेंड के बीच में वो आ रहेगा 12 मीटर, जो कि आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो 7 सेकेंड पे जो पार्टिकल होगा वो 50 मीटर पे होगा। अब मैं वेलोसिटी निकालूंगा 7 सेकेंड पे पार्टिकल की कितनी है, तो टी की जगह रख दूंगा 3, तो इसको सॉल्व करके अब हमारी जो वेलोसिटी आ रही है 7 सेकेंड पे पार्टिकल की आ रही है 14 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालेंगे वापस पार्टिकल ने कितना ट्रैवल किया 7 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड के बीच में, तो वो आ रहा है 14 मीटर। तो हम जो हमारा 50 था उसमें 14 और प्लस कर देंगे, तो जो 8 सेकेंड पे होगा ना गाइज, तो गाइज यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे गाइज 8 सेकेंड पे जो पार्टिकल होगा वो होगा हमारा 64 मीटर पे। और गाइज जो ये हमारा वी इक्वल टू 80 प्लस सी आया है, इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ इंटीग्रेट कर दिया। पहले लिखा है वी की जगह dx बाई dt इज इक्वल टू 80 प्लस सी, जो ये हमारा dt है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी dx इज इक्वल टू ब्रैकेट में 80 प्लस सी ब्रैकेट क्लोज dt। फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, जो हमारा x की फिर इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस सॉरी गाइस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ct प्लस c प्राइम। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे हमारे जो अब इक्वेशन में आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, और गाइस आप देख सकते हैं कि जो ये हमारी इक्वेशन बन रही है पैराबोला का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो गाइस अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ना पोजीशन और टाइम का ना ग्राफ ड्रॉ करा है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा कर्व कैसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है गाइस। ये हो गया हमारा डाउन कर्व, क्योंकि जो हमारा पोजीशन और टाइम के बीच में इनिशियल आया वो आया माइनस में रिलेशन, इसलिए हमारा देखो डाउन कर्व आ रहा है। और जब हमारा एक्स का जो रिलेशन है वो टाइम के साथ पॉजिटिव में आ रहा है पैराबोला में ही, तो जो हमारा बन रहा है वो अपकर्व बन रहा है। ठीक है, ये देखिए कुछ अपकर्व बन रहा है ना जैसा, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और गाइस ये शोर आ रहा है उसके लिए सॉरी, और थैंक यू गाइस।